जब भी कहीं सरकार के खिलाफ आपने धरना प्रदर्शन करते हुए देखा होगा लोगों को, तो एक नारा लगाते जरूर सुना होगा, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। जी हाँ, ये नारा बहुत बार लगाया जाता है, लेकिन इस नारे को साकार किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, जिसने उत्तर प्रदेश में विवाहित बिहार की रहने वाली नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेज दिया है। और नोटिस किस संबंध में भेजा है? जी हाँ, आपको याद होगा कि पिछले दिनों कानपुर देहात में किस तरीके से दो माँ और बेटियाँ जिंदा जल करके मर गई थी, और उनको बचाने के चक्कर में उनका पति भी बुरी तरह से झुलस गया था। उसको लेकर के नेहा सिंह राठौर ने बुलडोजर पर एक तीखी टिप्पणी की थी, और उसी तीखी टिप्पणी के चलते उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेहा सिंह राठौर को टारगेट कर लिया। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल नेहा सिंह राठौर ने उस पूरे घटनाक्रम पर गाया क्या था। सबसे पहले वो गाना सुन लीजिए। बाबा के दरबार बार ठहत घर बार बार, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार, काबा यूपी में काबा, और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आई राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर वाए आज बा, अरे ही बुलडोजर वा पे बाबा के नाज बा, काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बासठ कलो कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले पे लगा मनमानी के रिवाज बा, काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ाई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा, गरीबन के मड़ाई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा, काबा यूपी में काबा, अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा, आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा, ए बाबा यह जाना खाली अब्दुल के मकान बा, काबा। गाना सुनने के बाद आप भी ये तय कर सकते हैं कि क्या इसमें वैमनस्यता फैलाने की कोई चीज़ है, या समाज में द्वेष भावना फैलाने की कोई चीज़ है। क्योंकि यूपी पुलिस ने जो नोटिस भेजा है वो यही कहते हुए भेजा है कि दरअसल नेहा सिंह राठौर ने अपने उस गीत के जरिए से सामाजिक सौहार्द को खराब किया है और वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की है। वहीं नेहा सिंह राठौर ने इसके रिएक्शन में ये कहा है कि दरअसल वो डरने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने समाज से कमिटमेंट कर रखा है कि दरअसल जो लोग पीड़ित हैं, वंचित हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ में बनूंगी और सत्ता से आंख मिलाकर बात करूंगी। उन्होंने बहुत ही क्लियर शब्दों में ये कह दिया है कि मैं कोई पागलपन में उठ करके खड़ी नहीं हो गई और जनता की आवाज़ उठाने लगी, मैंने बहुत ही होशो हवास और सोच समझ करके ये कदम उठाया, क्योंकि मुझे पता था कि सीधे सीधे सत्ता से टकराना, सरकार को चुनौती देना ये कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ये जोखिम भरा काम होता है, और उसके लिए आपको शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। नेहा सिंह राठौर ने क्लियर कर दिया है कि वो इससे घबराने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है, इसका डटकर मुकाबला करेंगी, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैंने गलत कहा है, और इसका जवाब हमारे वकील देंगे। ये नेहा सिंह का स्पष्ट बयान आया है। इसके बाद अब आइए आपको बताते हैं कि दरअसल नेहा सिंह राठौर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही। तो उसकी बेसिक वजह यह होती है कि दरअसल जो लोग मुखर होकर के सरकार के खिलाफ या सत्ता से आवाज उठाते हैं, सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हैं, दरअसल उनकी आवाज को धीमा करने के लिए, और जो लोग धीमी आवाज में सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को बिल्कुल बंद कर देने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं। दरअसल नेहा सिंह के खिलाफ कार्रवाई जरूर है, लेकिन इस कार्रवाई को आप नेहा सिंह के परिप्रेक्ष्य में केवल ना देख करके आप ये देखिए कि जिनकी आवाज बहुत मुखर होकर के उठती है उनकी आवाज को धीमा कर दिया जाए, और जिनकी आवाज उठने वाली है या कम से कम धीरे धीरे उठ रही है उनकी आवाज को दबा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ये उसका मकसद होता है। यानी तीर कहीं और मारा जाता है, निशाना कहीं और लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर के यही सरकारें करती हैं, तमाम सरकारों का यही काम है। वरना तो देखा जाए तो इस तरह के गीत और नगमे बहुत सारे लोगों ने गाए हैं। आपने अदम गोडवी का वो गीत सुना ही होगा जिसमें अदम गोडवी ने किस तरह की बात कही है, आइए आपको सुनाते हैं। अदम गोडवी ने लिखा, काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हों या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में, आज़ादी का ये जश्न मनाएं वो किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में, पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ के नखास में। इस नज्म के बाद आप सोचिए कि अदम गोडवी किस सजा के मुस्तहिक हैं। उन्हें तो इसके बाद उम्र कैद की सजा हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। योगी की सरकार से पहले की ये नज्म है, लेकिन कभी नहीं ऐसा हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब से आई है तब से ही साहित्यकारों, पत्रकारों, खुले विचार रखने वालों और अपनी आवाज मुखरता के साथ उठाने वालों को टारगेट किया जा रहा है। यूपी में काबा, यूपी में झूठे केसों की बहार बा, यूपी में गरीब किसान बेहाल बा, यूपी में पिछड़े दलितों पर प्रहार बा,
यूपी में कारोबार का बंटाधार बा, यूपी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बा, यूपी में बिन काम के बस प्रचार बा, यूपी में अगले चुनाव का इंतजार बा और यूपी में अगली बार भाजपा बाहर बा। तो अब सोचिए कि कितनी तरह की परेशानियां खड़ी कर दी जाती हैं एक आम इंसान के लिए। और आम इंसान को सिर्फ इसलिए परेशान कर दिया जाता है क्योंकि आम आदमी को कानूनी पचरों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन चूंकि उसको उलझा दिया जाता है ताकि दूसरे लोग भी डर जाएं, वो खुद भी डर जाए, क्योंकि सरकार से टकराना, सरकारी तंत्र से टकराना इतना आसान नहीं होता है। सरकार के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, सरकारी वकील होते हैं, कोर्ट में वो उनका मुकदमा लड़ते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन अगर एक आम आदमी को परेशान किया जाता है तो आम आदमी अपना काम धाम छोड़ करके जाकर के कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, वकील को पैसे देता है, एक तरीके से वो ज़हनी तौर पर हैरेस हो जाता है। इसी वजह से आम आदमी इन तमाम चीज़ों से बचता है, लेकिन जो लोग सर पर कफन बांध कर निकलते हैं फिर वो निकल जाते हैं, उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि फिर उनके पीछे का क्या होगा। तो नेहा सिंह राठौर उन्हीं में से एक है। नेहा सिंह राठौर ने अपने आप को बिल्कुल तय कर लिया है, किसी भी सूरत में सत्ता के सामने झुकना नहीं है। यही कारण है कि जब उनके घर पर पुलिस ने आकर के नोटिस थमाने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत ही खुश उसलूबी के साथ उनसे बातचीत की और उन्होंने इस पूरे वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर बिहार के रहने वाली हैं, कैमूर भभुआ, और उनकी शादी अंबेडकर नगर में हुई है और उनके पति दिल्ली में रहते हैं, तो इस वजह से वो भी दिल्ली में रहती हैं। तो इस तरीके से उनके दोनों आवास पर, यानी अंबेडकर नगर और दिल्ली, दोनों आवास पर नोटिस दी गई है और उनको एक तरीके से हैरस करने की कोशिश है, ऐसा नेहा सिंह राठौर बताती हैं। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर वो लड़की है जो गीतों के अलावा और नॉर्मल अंदाज में भी अपनी बातें खुल करके रखती है और जनता से जुड़े हितों को सरकार के सामने रखती है और सरकार से कठिन सवाल करती है। पुरानी पेंशन योजना जल्द से जल्द सभी राज्यों और विभागों में बहाल की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देश सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वालों के साथ अन्याय होगा। इसी पेंशन योजना के भरोसे कर्मचारी आजीवन ईमानदारी का व्रत पालन करने का बल पाते थे और यही पेंशन योजना उनके आजीवन स्वाभिमान से जीने की गारंटी थी। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि कर्मचारियों की पेंशन सरकारों के जुआ खेलने का सामान नहीं है। नेता चाहे तो अपनी पेंशन शेयर में लगवा दें, लेकिन कर्मचारियों की भविष्य निधि से सरकारी मनोरंजन अब बंद होना चाहिए। ये उनके बुढ़ापे की लाठी है, सरकारों के मनोरंजन का सामान नहीं, सरकारों के खेल का सामान नहीं है। तो बात एकदम साफ है, पुरानी पेंशन जो दिलवाएगा 24 में सरकार वही बनाएगा। तो नेहा सिंह राठौर, यही वजह है कि सरकार की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी। इसके अलावा नेहा सिंह को दिए गए नोटिस में ये कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर आपको इसका जवाब देना होगा। करीब करीब 7 सवाल किए गए हैं, इसका जवाब देना होगा और अगर आपका उचित जवाब नहीं होता है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने कमर कस ली है और सरकार को जवाब देने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर के इस काबा सीजन 2 वाले इस गाने पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का निशान बना होगा उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं फौरन इसकी जानकारी आपको मिले। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।